हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहाँ पे हम रिव्यू करते हैं खाने को। सो आज हमारे पास है बाउलीज मूनफिल। बाउली मूनफिल इज अ क्रिसेंट पेस्ट्री जो अमेरिका इटली में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है इसकी क्वांटिटी और कैसा है इसका टेस्ट। सो टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये मैंगो फ्लेवर में है मेरे पास, लिमिटेड एडिशन। आई डोंट नो व्हाट लिमिटेड एडिशन इज। ओके, तो दिस इज इंटरेस्टिंग। पहला है इसमें एक रेड मार्क नोट है विच सेज इट कंटेन्स एग ओनली। ओके, सो ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए प्लस पॉइंट है या जो भी नेगेटिव पॉइंट है वेजिटेरियंस के लिए, तो वेजिटेरियंस मे और मे नॉट गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो इट इज ऑफ 47 ग्राम एंड ऑफ 15 रुपीज। ओके, एंड इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू है, Energy is 384 cal, protein is 8.2 grams, carbs is 52.9 grams, sugar is 16.7 grams, and fat is 15.5 grams. So this is per 100 gram, and the weight of this product is 47 grams. So आप इसको बिल्कुल half कर दीजिए क्योंकि ये उतना ही निकलेगा। तो आइए चलिए इसे open करते हैं। ये एक, अब इंडियन डिक्शनरी के हिसाब से मैं अगर बताऊँ तो ये एक पैटी की तरह दिख रहा है, दो इट इज़ नॉट अ पैटी, ये एक पेस्ट्री ही है। इट इज़ अ स्वीट डेलिकेसी जो ओवरसीज बहुत पसंद की जाती है। और क्रोसेंट्स को आप फ्रेशली बेक क्रोसेंट्स अगर आपको चाहिए तो आप कैफेज में जा सकते हो, लाइक CCT, बरिस्ता, वहाँ पे क्रोसेंट्स एंड स्टारबक्स एज़ वेल, वहाँ पे बड़े आराम से मिलते हैं। तो ये पैक था, तो मूनफिल्स बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल हर एक जनरल स्टोर में और सुपरमार्केट में। तो इसको ज़रा ओपन करके देखते हैं, मतलब से इसको कट करके देखते हैं ये बीच में से कैसा दिखता है। ओके, इस ट्रस्ट मी, लेट मी स्मेल दिस, क्योंकि इसमें से बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस आ रही है। ओह गॉड, ये बहुत स्वीटी सी फ्रेग्रेंस दे रहा है, मैंगो का इसमें से एक फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अरोमेटिक है आ रहा है। ओके, ओह नाइस, आप इसे देख सकते हैं, ये एक ब्रेड की तरह ही है, बिल्कुल ब्रेड फॉर्म में है एंड कुछ क्रिस्पी नहीं है, जैसा कि पैटी होती है वैसा कोई क्रिस्पी नहीं है, ब्रेड फॉर्म में है। और उसके अंदर एक जेली है, लिक्विड जेली है जो आई बिलीव मैंगो फ्लेवर की ही होगी। ओह, इसको ओपन करने के बाद तो और फ्रेग्रेंस एनहांस होगी। तो आइए चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। Nice, amazing. बहुत स्वीट है और बहुत टेस्टी है, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ये दो होता तो एक पेस्ट्री की तरह ही है, बट बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है इसका। और इसका जो मैंगो सिरप है या जो भी इसमें जेली है, मैंगो फ्लेवर है, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। ट्रस्ट मी, मैंने इतना अच्छा मैंगो जेली पता नहीं खाया भी है, यानी मैंने बहुत सारे मैंगो जेली ट्राई करे हैं जो पुडिंग्स वुडिंग्स में ऊपर ड्रेसिंग के लिए यूज़ होते हैं, बट दिस वन इज़ द बेस्ट। ये बहुत अमेजिंग है, बहुत टेस्टी है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसमें कैन यू सी दैट, इसमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा फिल्ड है। दिस इज़ नाइस। तो आइए चलिए बहुत छोटी सी वीडियो रखते हैं और देते हैं इसको एक फूड रिपोर्ट। सो बाउलीज मूनफिल, ओके, तो पहले बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। क्वालिटी को मैं इसको देना चाहूँगा 4 out of 5, बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश है एज अ पैक फूड, क्योंकि आई बिलीव पेस्ट्रीज काइंड ऑफ ब्रेड प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, बट ये बहुत अमेजिंग है और बहुत फ्रेश फील कर रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे इसके अरोमा को देख के। ये अभी भी कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें शायद स्मेल आ रही हो या जो भी, ये बहुत अमेजिंग है। क्वांटिटी की बात करते हैं, प्राइस से कंपेयर करते हैं तो इट्स 47 ग्राम एट 15 रुपीज़, जो कि बहुत अच्छा एक वैल्यू है। और फॉर दिस साइज 15 रुपीज़, ये बहुत अमेजिंग है। अगर कोई बंदा ये पूरा खाएगा तो उसका आराम से, अगर पेट भरना चाहे तो भर भी सकता है। एंड स्वीट में
इसको लेना चाहें आफ्टर डिनर तो वो भी लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये स्वीट हैवी है और ये स्वीट कंसीडर नहीं कर सकते। इंडियन इंडियन ऑडियंस कर सकती है, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत बहुत अमेजिंग है, बहुत सॉफ्ट है, क्रिस्पी नहीं है और जो फ्लेवर है वो भी बहुत अमेजिंग है। इसमें और भी फ्लेवर आते हैं, उनकी वीडियो में सेपरेटली बनाऊंगा। और बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बेक्ड है, सही से बना हुआ, ऐसा नहीं है कि ये कहीं से टूट रहा है या जो भी है, बहुत स्ट्रांगली बेक्ड है, प्रॉपरली बेक्ड है और बहुत अमेजिंग है, सॉफ्ट है जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है। तो ओवरऑल रेटिंग देते हैं, अगर आप मेरा पर्सनल प्रेफरेंस जानना चाहें तो अगर मैं एज अ स्वीट देखूँ तो मैं इसे दूंगा 3.2 स्टार्स, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है और पैक्ड फॉर्म में मिलता है और दैट इज टू फॉर 15 रुपीज़, 15 रुपये का मिलता है और इजिली अवेलेबल है मार्केट से। सो दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माई साइड ऑन बाउलीज मूनफिल। सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ बताएं हमें कमेंट्स के थ्रू कि और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपने फेवरेट प्लेट के थ्रू आपके पास लेके आए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड द बेल आइकन। थैंक यू।